हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे आप लोग? मैं आप सभी को क्या बहुत अच्छी होंगी और मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी सुबह बज रहे हैं 6 और मैं अभी सो के उठी हूँ और अभी बाबू सो ही ले रही हैं और मैं अब जा रही हूँ नहाने। आप लोगों को पता है, ये जब भी आवाज़ सुनेंगे कि वीडियो बन रहा है तभी इसकी नींद खुल जाती है। जग गई, चाहे जितना धीरे बोलूंगी मैं ये जग ही जाती है, पता नहीं क्यों। सासुआ में नहा चुकी हैं, जा रही हूँ चाय बनाने पापा जी को देने। मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने नहा लिया है, मैं नहा के आ गई हूँ अपने रूम में और मैंने कंघी वंगी भी कर ली है। तो अब चलते हैं किचन में और पूजा उजा भी हो गई तो अब चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। चलते हैं, ननन जी बना रही, मैं भी ननन जी के साथ चलती हूँ बनवा लेती हूँ। और चाय बना के सासू मम्मी दे दी है पापा जी को। मेरी सासू मम्मी ससुर जी को ब्लैक टी बना के दी थी, मतलब काली चाय बना के दी थी, इसलिए ससुर जी कह रहे थे जब मैं नहा के किचन में आई तो बोले कि बहू की पूजा उजा हो गई। अगर बहू पूजा कर चुकी हूँ तो बहू से बोलो कि अपने हाथ की चाय बना के पिलाएं। बहू की हाथ की चाय अगर एक कप पी लेता हूँ ना तो पूरे दिन लगता है कि हाँ चाय पी रखा हूँ, ऐसा पापा जी बोलते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब तारीफ़ सुनना किसको नहीं पसंद होता। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ, मम्मी आई बताई मुझसे पापा जी ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने चाय बनाया और फिर उसके बाद मैंने कप में ससुर जी को दिया और कटोरी में सासू मम्मी चाय पीते हैं, वो कप में जल जाती हैं इसलिए उनको कटोरी में चाय देना पड़ता है। और स्टील के कप में मैंने ले ली थी चाय। फिर उसके बाद चाय पीने के बाद फटाफट हम तैयारी में लग गए खाना की। क्या आप लोगों के ससुर जी भी आपके हाथ की चाय पीने के बाद ऐसा बोलते हैं? मेरे ससुर जी तो चाय क्या, खाने में मैं चाहे जो चीज़ बना दूं, चाहे कुछ भी बना दूं, वो फटाक से जान जाते हैं कि मैंने बनाया है या फिर ननन जी। ये मम्मी मट्ठा लाई हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से। इसका बनेगा आज रायता, लौकी वाला रायता, देसी रायता, मतलब कि बूंदी वाला रायता तो आप सब लोग खाते हैं। लौकी वाला रायता बहुत कम ही लोग खाते हैं और बहुत कम ही लोग जानते हैं कि लौकी से भी रायता बनता है। तो घर पे मेरे आज लौकी वाला रायता भी बनेगा और खाने में बनने वाले सब्जी, चावल, रोटी। दाल हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि डेली डेली दाल अच्छी नहीं लगती, एक दिन स्किप करके बनाओ तो फिर अच्छी लगती, इसलिए आज दाल नहीं बनेगी। सब्जी बनेगी आलू और गोभी की, टमाटो की। और इधर ननन जी चावल चढ़ा रखी थी, मैंने साइड में दूध रख दिया है पकने के लिए। दूध पक जाए, चावल पक जाए तो फिर फटाफट हम लोग रायते की तैयारी करते हैं और जल्दी से बना लेते हैं सब्जी और रोटी। कल मेरी सासू मम्मी गई थी मंडी, वहाँ से ना कई सारी लौकियाँ उठा लाई हैं, मतलब 4-5 तो होगी ही। क्योंकि ना मेरे अभी जी, मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे लौकी की सब्जी खाया करो, मुझे बोल रहे थे स्पेशली मेरे लिए लौकी आई है क्योंकि मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तली भुनी ऑयली चीज़ें खा खा के, काफ़ी स्पाइसी चीज़ें। तो उन्होंने कहा है कि लौकी का सेवन किया करो, लौकी का रायता खाया करो, लौकी की सब्जी खाया करो, लौकी से ही जो कुछ बनाना है तुम्हें वो सब बना के लौकी से ही खाया करो, ज़्यादा सेवन लौकी का किया करो ज़्यादा इस्तेमाल। तो इसलिए मम्मी जी मेरे लिए लौकी लाई हैं और मेरा बार बार इधर ध्यान इसलिए जा रहा है, मैंने दूध पकने के लिए रखा है, थोड़ी सी मिर्चा रहती तो दूध तुरंत बाहर हो जाता है। मतलब अगर ऐसे ताकते रहो बैठ के तो फिर बिल्कुल भी बाहर नहीं होगा दूध, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना ध्यान, तुरंत दूध बाहर जाएगा। और मेरे साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है, इसलिए मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा, मेरा फोकस इसी पे है क्योंकि बाहर ना हो जाए। दूध पकने के बाद तुरंत मैंने सब्जी में तड़का लगाना शुरू कर दिया था और सब्जी में मैंने नॉर्मल सा तड़का लगाया था, थोड़ा सा राई, मेथी दाना, जीरा डाल के और फिर वही कटे हुए लहसुन, मिर्ची, प्याज डाल के तड़का लगा दिया था सब्जी में। प्याज पक गई है और इसमें मम्मी लहसुन, अदरक, मिर्ची सब कुछ पीस रखी है सिलबट्टे पे। अगर सिलबट्टे पे पीस के मसाले सब्जी बनाओ ना तो उसका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। आप लोगों से जो मुझे ज़रूरी बात करनी थी वो मैं अब करती हूँ। पता है आप लोगों को, मेरे फ़ोन में ना पता नहीं कैसा इशू हो रखा है, मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, मेरा वीडियो शूट होता रहता है, मुझे लगेगा कि वीडियो चल रहा है और वीडियो ना वहीं पे रुक जाता है और 5-5 मिनट तक का वीडियो मेरा वहीं पे रुक जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कट कट करके एडिट करती हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे हो रही है और मैं इसे फेस नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं कैसे सॉल्व करूँ इस प्रॉब्लम को, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे न्यू फ़ोन दूसरा लेना पड़ेगा या तो फिर हफी जी आएंगे तो मैं उनका फ़ोन एक्सचेंज कर लूँगी उनसे अपना फ़ोन। इधर सब्जी पक रही है और इधर रायते की तैयारी हो रही है।
और ये मट्ठा भी तैयार करके रखे हैं ननन जी। इसमें भुना पिसा हुआ जीरा और जीरा चिल्ली फ्लेक्स का तड़का, काला नमक इसमें डाल रखे हैं। रायते के लिए मट्ठा एकदम तैयार है, कंप्लीट है। अब बस इसमें पक जाएगी लौकी और फटाफट डाल देंगी। सब्जी मैंने इधर बना दी है और ननन जी इधर रायता कंप्लीट कर चुकी हैं। और ये कढ़ाई सब्जी वाली मैंने खाली कर दी है क्योंकि मुझे ना घी पकाना है, इसलिए जा रही हैं वो साफ करने। ये है लौकी का रायता। बहुत गर्मी लग रही थी किचन में तो मैं आ गई अपने कमरे में, पसीने भी हो रहे हैं। थोड़ी देर मैं कूलर का हवा ले लेती हूँ, लाइट है, कूलर चल रहा है। थोड़ी देर मैं ही बेड पे बैठ के हवा ले लूँगी, उसके बाद फिर अभी रोटी बनानी है। रोटी नहीं बनी है, पूरे दिन लेटो उठो बैठो यही काम रह जाता है। और खाना बनने के बाद राधे को नहलाना है, बाबू को, फिर वो नहाएगी और उसको मिल्क फिनिश कराना है, फिर सोई सोई करानी है। मतलब कि 11 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं। अभी 9 बज रहा है सुबह, बाबू आ रही है ऐसे लग रहा है। ओ मैं कह रही हूँ बाबू आ रही है ऐसे लग रहा है, ये आके लेट गई। ये देखिए रानी साहिबा को हेलो कर लीजिए। हेलो 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 कैसे करते हैं, अच्छे से करिए, उठ के करिए, चलिए उठ के करिए, हेलो उठ के करिए राजा बेटा, हेलो करिए, हेलो, ये वेरी गुड। नहीं नहीं करनी है आपको? नहीं नहीं क्यों? नहीं नहीं कर लीजिए, अरे कर लीजिए, नहीं नहीं कर लीजिए। ओए इधर देखिए, वो दादी जी आ गई। डांस कर रहे थे क्या आप? कैसे डांस कर रहे थे आप? ओ मम्मा ऐसे 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 ऐसे, आपको तो डांस करना भी आता है। खाना खाने के बाद मैंने सोचा घी बना लेती हूँ। ये 1 सप्ताह की मलाई है, अनबीक, मतलब 1.5 लीटर आता है, तो इसलिए मैंने मलाई मलाई बस निकाल के रखा था। और इसी तरीके से मैं घी बना लेती हूँ, तो जो मेरे बेबी के पापा जी आते हैं ना तो उनको घी खाने के लिए हो जाता है। आप चाहें तो इसमें से मक्खन निकाल सकते हैं, पानी डाल डाल के इसको फेंट फेंट के। मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसे डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के घी निकाल लेती हूँ, निकल जाता है आराम से। फ्लेम को मैंने एकदम स्लो कर दिया है ताकि घी हमारा जले ना, धीमी धीमी आँच में बहुत अच्छा सा पक जाए। 15 से 20 मिनट लगेगा और घी निकल के बाहर हो जाएगा मक्खन से। घी पक चुका है, अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए घी ठंडा हो गया है। और ये मैंने एक कांच का जार ले रखा है जिसको मैंने अच्छे से धुल के सुखा लिया है धूप में, मतलब ऐसे ही नहीं भरना है, गरम पानी से धुल के सुखा लिया है। और इसी में मैं घी भर के रख दूंगी, देखती हूँ कितना घी निकला। अरे वाह इतना घी हो गया। एक बार मैं और गरम करूंगी, जब तक बेबी के पापा आएंगे जब तक एक बॉटल हो जाएगा, मतलब उनके खाने के लिए तो हो ही जाएगा। वो आते हैं ना तो मार्केट से घी लाते हैं, मार्केट जाते हैं शाम को जाते हैं, वो सुबह ही आ जाते हैं, आप लोगों को पता है, तो फिर वो शाम को जाते हैं तब घी लाते हैं। जैसे मैं अगर घी बना के रखे रहती हूँ ना तो मैं उनको सुबह ही लंच में, जैसे ब्रेकफास्ट के जो खाना है फिर लंच में मैं घी लगा के रोटी देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये सब्जियां सासू मम्मी मंडी से लाई हैं और आलू प्याज भी लाई हैं जो हमने हटा दिया है यहाँ से। ये सब हमें धुलना था इसलिए हमने यहीं रखा है, फिर हमने धुल के फ्रिज में रख दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आज की ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से आने वाली ब्लॉग में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय यूट्यूब फैमिली।